द पॉइंट इज ऐसा कैसे हो कि हम जो भी हमारा गोल है उस पर पूरी तरह से फोकस्ड रहे। इनफैक्ट मजेदार बात क्या है कि आज सुबह सुबह जब मैं बैडमिंटन खेल रहा था तो कुछ ऐसी ही एक इंसाइट आई थी मेरे अंदर। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे मैं गेम जीत रहा था मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा था। ऐसा होता है या नहीं होता? यानी जब हमारे हिसाब से कुछ हो रहा होता है लाइफ में तब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, तब हम एक्साइटेड हो रहे हैं, और जब हम हार रहे होते हैं तो हमारी जो नेचुरल गेम होती है उससे लेवल बहुत नीचे हो जाता है। धीरे धीरे गेम ही छूटने लग जाता है, गेम में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, खेलने का ही मन नहीं करता। तो सॉल्यूशन जो है वो है कि कैसे हम अपने गोल की तरफ काम करते रहे, चाहे कम करें चाहे ज्यादा करें, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, करते रहे, इसको छोड़े ना। मतलब कुछ भी हमको अचीव करना है तो ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हम नेचुरली खेल रहे होते हैं तो हम एक फ्लो में होते हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा होता है, वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं होती। चाहे हम वहां पर जीत रहे हैं हार रहे हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट हम नेचुरली खेले। नेचुरल को आप एक और वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हो, एफर्टलेस। यहाँ पे कोई एफर्ट नहीं होता, जब हमारी गेम नेचुरल से नीचे गिर जाती है तो एफर्ट होता है उसको उठाने का, जब बहुत ऊपर चली जाती है तो एफर्ट होता है उसको बनाए रखने का। तो एफर्ट नाउ, एफर्टलेस हो, इसको आप कह सकते हो एफर्टलेस। चाहे हम वहां पर जीत रहे हैं हार रहे हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट हम नेचुरली खेले। नेचुरल को आप एक और वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हो, एफर्टलेस। यहाँ पे कोई एफर्ट नहीं होता, जब हमारी गेम नेचुरल से नीचे गिर जाती है तो एफर्ट होता है उसको उठाने का, जब बहुत ऊपर चली जाती है तो एफर्ट होता है उसको बनाए रखने का। तो एफर्ट नाउ, एफर्टलेस हो, इसको आप कह सकते हो एफर्टलेस एफर्ट, कि काम सारे हो रहे हो लेकिन एफर्ट ना लग रहा हो। यही लाइफ का गोल नहीं होना चाहिए, या लाइफ का गोल ये होना चाहिए कि बहुत एफर्ट लगा लगा करके आपको काम करना पड़ रहा है, क्योंकि वो काम ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता है। ऐसा अगर आपने कोई गोल सेट कर लिया जिसके लिए आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो क्या प्रैक्टिकल है उसको अचीव करना? एक है जिसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, आउटपुट उससे ज्यादा आ रहा है। अगर एग्जांपल से समझाऊं, फॉर एग्जांपल, फिटनेस तो हमको चाहिए ही ना, जैसे पैसा चाहिए ही। तो दो तरीके हैं फिटनेस को अचीव करने के। एक ये है कि कोई ऐसा काम जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि जिम, वहां पर मैं जाऊं और अपने आप को पुश करता रहूं और पूरी कोशिश करूं उसको अचीव करने की। वहां पे एफर्ट बहुत लगने वाला है लेकिन रिजल्ट आने के चांसेस, जो भी मेरा गोल है एक साल में, जो भी फिटनेस गोल है उसको अचीव करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि उस काम में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा क्या है जो मैंने भी आपको बताया, बैडमिंटन, डेली 1 घंटा बैडमिंटन खेलता हूं, वहां पे एफर्ट क्या है, रिजल्ट कितना है, उससे ज्यादा ही है। क्योंकि जिम में मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो जब जिम से आऊंगा तो मैं थका हूंगा, पूरे दिन के लिए थकान थकान सी होगी, क्योंकि उसमें तो इंटरेस्ट है ही नहीं, जबरदस्ती करना पड़ रहा है फिटनेस के लिए। तो ऐसे ही जबरदस्ती कोई काम करना पड़ रहा है पैसे के लिए, क्यों? क्योंकि सब वही काम कर रहे हैं। ये जो फंडा हमने फिटनेस में लगाया, क्या इसको पैसे में नहीं लगा सकते? पैसा कमाने का क्या एक ही तरीका है दुनिया में, जिस तरह से सब कमा रहे हैं? मतलब अगर सारे जिम जा रहे हैं तो मुझे भी जिम जाना चाहिए, मुझे वही करना चाहिए ना जो मेरा पैशन है, जिस काम में मेरा इंटरेस्ट है,